नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। हमारे देश में एक वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। कहा जा रहा है कि यह वायरस सीधे दिमाग पर असर करता है, और यदि इस वायरस से पीड़ित व्यक्ति यदि पढ़ा लिखा अंगूठा छाप हो तो भैया कांड होना तय है। और तो और, यदि इस वायरस से पीड़ित व्यक्ति मदिरा का सेवन कर ले तो भैया विस्फोट होना तय है। फिलहाल इस वायरस का कोई सटीक वैक्सीन नहीं है। जनता की सेवा का दावा करने वाले और सत्ता के सुख को पाने की इच्छा रखने वाले कुछ लोग मनोवैज्ञानिक रूप से इस पर शोध कर रहे हैं। फिलहाल इसका एक ही इलाज है, और वो इलाज पुलिस के पास है। जब वो अपना वैक्सीन लगाती है तो आप जिसको लगा हो वही समझे, समझ में तो आ ही गया होगा। वैसे इस वायरस का नाम है नफरत, जिसका इस्तेमाल इस तरह से किया गया है कि हमारा समाज बीमार और बहुत बीमार होता जा रहा है। अब इन दो तस्वीरों पर नजर डालिए। ये दोनों वायरल वीडियो उत्तर प्रदेश से सामने आ रहे हैं। इन दोनों वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई की है। कितनी की है यह भी बड़ा सवाल है। एक तस्वीर में एक महानुभाव भारतीय नोटों पर चप्पल पहनकर टहलते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर में कुछ प्राणी विशेष धर्म को गरियाते हुए नजर आ रहे हैं। ये दोनों घटनाएं अलग अलग जगह की हैं। इन घटनाओं में बस एक ही संबंध है, गिरी हुई मानसिकता का संबंध। सबसे पहले बात करते हैं इस वायरल वीडियो का। ये वायरल वीडियो रामपुर का है। रामपुर के मिलक तहसील मिलक मुर्शिद नगर भैंसोड़ी शरीफ में उर्से लियाकती का आयोजन किया गया, जिसमें परंपरागत एवं विधिवत रूप से सरकारी चादर दरगाह के मुतवल्ली एवं सज्जादा नशीन हजरत जावेद हुसैन शाह के निवास स्थान से दरगाह पर प्रस्तुत की जाती है। इसी दौरान कव्वाली का प्रोग्राम भी होता है। इस मौके पर हजरत सूफी जावेद हुसैन शाह के हजारों अनुयायी एवं श्रद्धालु इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं। उनके अनुयायी एवं श्रद्धालु उनके एक समूह में घेर लेते हैं और पीरो मुर्शीद के इश्क में झूमने लगते हैं और उन पर नोटों की बरसात जारी कर देते हैं। और इसी बीच सज्जादा नशीन जावेद हुसैन शाह भारतीय नोटों को रौंदना शुरू कर देते हैं। देश के महापुरुषों के चित्र, अशोक की लाट व अन्य देश के सम्मानित प्रतीक चिन्हों के भारतीय नोटों पर चप्पल पहनकर रौंदने का ये वीडियो वायरल हो जाता है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ये शख्स नोटों की तरफ देख भी रहा है, नोटों को अपने हाथों से हवा में उड़ा भी रहा है और उसे रौंद भी रहा है। कपिल कुमार शर्मा, जिला मंत्री विश्वेंदु महासंघ, रामपुर। क्या प्रकरण है ये? प्रकरण ये है कि ग्राम पंचायत भैंसोड़ी में, जो कि तहसील मिला जिला रामपुर, इसमें जो है मौलाना जो थे जावेद, उन्होंने भारतीय मुद्रा को का अपमान किया, यानी कि पैसे जो है उन्होंने नीचे लुटाए और पैरों पे चले, वो कुचले गए चप्पल पहन के। काफी उसका भारतीय मुद्रा का अपमान किया गया। और जो है मैंने इस प्रकरण में थाना प्रभारी निरीक्षक मिलक के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया कार्रवाई के लिए, कि इस पे देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। इसके पश्चात मैंने ट्विटर पे योगी जी को भी ट्वीट करा और यूपी पुलिस को भी ट्वीट किया और एडीसी को भी ट्वीट किया, कप्तान साहब के लिए भी मैंने व्हाट्सअप करा था प्रार्थना पत्र। इसके पश्चात अभी तक मौलाना के खिलाफ कोई भी मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया है। और मुझको सूत्रों के उससे ये भी पता चला है कि थाना निरीक्षक, थाना प्रभारी निरीक्षक मिलक मौलाना साहब के घर पर गए थे ये, और जाकर कुछ साठ गांठ करके आए हैं वहां से ये। इसके बाद में जिस दिन ये वीडियो वायरल हुआ है उस रात में भी ये पहुंचे थे, उस दिन भी इनने साठ गांठ किए। इसके बाद दूसरे तीसरे दिन फिर ये गए, जब प्रार्थना पत्र ने दिया फिर ये वहां पर दो तीन घंटा रात में बैठने के बाद मौलाना से साठ गांठ करके ये आए हैं। इसके पश्चात अभी तक इन्होंने कोई भी स्थिति मुकदमा पंजीकृत नहीं किया। सभी हिंदू संगठन के लिए वो है कि मौलाना के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
रामपुर के विश्व हिंदू महासंघ के जिला मंत्री कपिल शर्मा ने इसकी शिकायत पुलिस में की, तो पुलिस ने क्या कहा ये भी सुन लीजिए। देखिए, एक धार्मिक स्थान पर थाना क्षेत्र मिलक के अंतर्गत कुछ लोग नोट पर चलते हुए नजर आ रहे हैं धार्मिक क्रियाकलाप के दौरान, तो यह अपमान है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक मिलक को उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने हेतु निर्देशित किया गया है। सर, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? ये जांच उपरांत तय हो जाएगा, उसमें जो वीडियो में आएंगे सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि कार्रवाई क्या हुई? क्या ऐसी कार्रवाई हुई जो समाज के लिए सबक बने? जनता भी खूब है, अंधविश्वास का ये आलम है कि ना देश के सम्मान की चिंता है, ना परवाह है और ना ही अपने भविष्य की परवाह है। खैर, अब बात इस दूसरे वीडियो की। इस वायरल वीडियो में देश के कुल 4 सम्मानित नागरिक नजर आ रहे हैं, जो एक विशेष धर्म को अपमानित करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल वीडियो देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये तो पहले से ही नफरती वायरस से पीड़ित हैं और मदिरा का तड़का लग गया है। नतीजा वायरल वीडियो के माध्यम से सामने आ गया है। खैर, हम इसकी पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन कहीं सुना था कि मदिरा के रंग में रंगीन होने के बाद दिल की सच्चाई जुबां पर आ ही जाती है। अब इस वीडियो के वॉल्यूम को हमने बंद कर रखा है क्योंकि वो सुनाने लायक नहीं है, क्योंकि हम सभी धर्मों और वर्णों का सम्मान करते हैं। खैर, गाजीपुर की पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है, जमानत के बाद छूट भी गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गिरफ्तार करने के अपने कर्तव्यों का पालन भी किया है, लेकिन गिरफ्तार केवल एक ही हुआ, बाकी कहां है? और इस वीडियो में जो दूसरे नंबर का है, असली जहर तो वही उगल रहा है, वो कहां है? खैर, ये जांच का विषय है और उम्मीद है कि पुलिस आरोपियों को सलाखों के पीछे जरूर पहुंचाएगी। अब सोशल मीडिया पर नफरती वायरस से ग्रसित और भी लोग हैं और इन सबकी तुलना बांग्लादेश और पाकिस्तान से करने में लग जाते हैं। तो दादा, पहले ही सुन लीजिए, अपराध का कोई धर्म नहीं होता। इस खबर से कुछ तो समझ आ ही गया होगा, जो ना आया हो तो जरा इसका जवाब भी खोज लीजिए कि एक अपराधी किस्म का व्यक्ति घटनाएं किसी के साथ भी कर सकता है, लेकिन ज्यादातर देशों में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का आरोप क्यों लगता है? ये तो पता ही होगा कि बांग्लादेश में कौन अल्पसंख्यक है और भारत में कौन कौन। नहीं पता है तो पता कीजिए। धर्म आधारित अपराध करने वालों का एक ही धर्म होता है, जिसे नफरत कहते हैं। ऊंच नीच की भावनाओं से पहले ही ये लोग ग्रसित थे, अब इन्हें नफरती कीड़े ने भी काट लिया। खैर, इलाज कानून से ही होगा। जवाब मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। उम्मीद है कि सभी देश का सम्मान करते हैं। हमारा देश मोहब्बत और एकता से चलता है। देश की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ ना करें। जय हिंद।